मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद की थी। पूरा मोहल्ला जानता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से पूछ लेकर आता। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैण दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। ग्रैड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। विधाता एक 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई ने निर्देशित की थी और गुलशन रॉय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। शम्मी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक सपोर्टिंग रोल में थे। फिल्म को कन्नड़ में पिथमाह के रूप में बनाया गया था। मूवी का बजट 8 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 16 करोड़ की कलेक्शन की थी और इसे काफी अवार्ड से नवाजा भी गया था। 1983 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शम्मी कपूर जी और संजीव कुमार जी को फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अब सुनने में आया है कि इस मूवी का रीमेक बनने वाला है, यानी कि विधाता 2 बनने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका भी सीक्वल बनेगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसकी। अगर बात करें मूवी की तो ये हमें नॉस्टैल्जिया वाला फील देगा और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको किस एक्टर को लीड रोल में देखना है। टाइगर श्रॉफ को हो सकता है कि इस मूवी के लिए अप्रोच किया जाए। अगर टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर में आपको चूज करना हो तो आप इस मूवी के लिए किसे चुनेंगे? इस बार की स्टोरी प्लॉटिंग पिछले पार्ट को इंटरकनेक्ट करेगी, जहां से कहानी छूटी थी वहीं से शुरू की जाएगी। और अगर 90s के टाइम की बात करें इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था, जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। क्या संजय दत्त होंगे विधाता 2 में? क्या है सुभाष घई और एम लेजर का रिश्ता? क्या विधाता 2 से करेंगे सुभाष नई आफत को लॉन्च? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियो में, जहां हम लेते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। आज हम बात कर रहे हैं मूवी विधाता 2 की। संजय दत्त की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है खलनायक, जिसने उन्हें एक नेगेटिव किरदार देते हुए भी एक हीरो की पहचान दे दी और इस मूवी से उनका और सुभाष घई का रिश्ता मजबूत हो गया। और अब लगता है कि वो जल्दी सुभाष घई की आइकॉनिक फिल्म विधाता के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब इस डायरेक्टर आखिर की चोरी में तनाव आ गया था। दरअसल विधाता मूवी की शूटिंग के दौरान सुभाष घई को संजय दत्त के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मूवी निर्माता ने संजय दत्त को हीरो फिल्म के लिए नहीं लिया और उन्होंने सोचा कि वह उन्हें फिर से कभी किसी मूवी में कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन बाद में संजय दत्त पूरी तरह से बदल गए और बड़े स्टार बन गए। लगभग 10 सालों के बाद उन्होंने 1993 की ब्लॉकबस्टर खलनायक में काम किया। खलनायक से पहले संजय दत्त ने 8 फ्लॉप फिल्में दी थी और अधिकांश लोगों को लग रहा था कि संजय दत्त अपने करियर के अंतिम दौर में थे। घई ने इस बात का फायदा उठाया और दत्त को मूवी के बड़े बजट में होने के कारण बताते हुए पे कट लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब सुभाष और संजय काफी अच्छे दोस्त थे और हो सकता है कि ये दोनों फिर से फिल्म विधाता के सीक्वल में साथ काम करते हुए नजर आए। सुनने में आया है कि मूवी के हीरो के लिए टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया गया है, लेकिन हीरोइन की तलाश जारी है। सुभाष घई ने जितनी हीरोइनों को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया है उन सब का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता था, क्योंकि इस शब्द को वे लकी मानते हैं। फिल्म हीरो में उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री को इंट्रोड्यूस किया, रामलखन में माधुरी दीक्षित को और सौदागर में मनीषा कोइराला को। इतना ही नहीं, परदेश की हीरोइन रितु चौधरी का नाम बदल कर भी उन्होंने महिमा चौधरी रख दिया। 2014 में एक मूवी में उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी का नाम बदल कर मिट्टी रखा। सुभाष घई की वाइफ का नाम मुक्ता है और बैनर का नाम भी उन्होंने मुक्ता आर्ट रखा। तो ऐसे में हो सकता है कि हमें जल्दी विधाता 2 में से एक नई एम लेटर से शुरू होती नाम की हीरोइन
गॉडफादर जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक द गॉडफादर से इंस्पायर्ड, और इसलिए हो सकता है कि विधाता का सीक्वल गॉडफादर के सीक्वल गॉडफादर 2 से इंस्पायर्ड हो। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होगा, और अगर हुआ तो क्या इतनी पुरानी फिल्म इसलिए नहीं आई क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। कौन है विधाता 2 में स्पेशल और कौन होगी फिल्म की हीरोइन? क्या विधाता 2 सेट कर पाएगी विधाता 1 जैसा बेंचमार्क? जानिए ये सारी खबरें बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। सुभाष घई एक जाना माना नाम है जो राज कपूर जी के बाद एक बड़ा नाम है, जो लेकर आ रहे हैं अपने घई कैंप की अगली मूवी विधाता 2। वेल आप सब जानते ही हैं कि सुभाष घई अपने डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और एक्टर से दमदार एक्टिंग करवाने वाला एक बड़ा नाम है। विधाता 1 को अभी तक भूल नहीं पाए, और हाँ शायद न्यू जनरेशन इस मूवी से नई ऑडियंस कनेक्ट ना कर पाए, बट सुभाष घई की ये मूवी कुछ नया और फैंस के बीच एक नई पहचान बना पाएगी। मूवी का अभी कंसेप्ट ऑफिशियल ट्रेलर ही रिलीज हुआ है और घई साहब के फैंस इस बात से खूब खुश नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई सालों बाद सुभाष घई जी को डांस दीवाने के सेट पर देखा गया था, जिसमे वो कंटेस्टेंट्स के साथ थिरकते नजर आए। अब बात हो जाए मूवी के स्टार कास्ट की। बस फर्स्ट लुक में आप सबको ये तो पता लग ही गया कि फिल्म में मेन लीड में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, जो आजकल किड्स एंड फीमेल फैंस में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, उनके चार्मिंग लुक्स एंड फैबुलस स्टंट्स की तो दुनिया दीवानी है। ये तो हुई मेन लीड की बात। अब आपको बता दें कि फीमेल लीड के लिए सुभाष जी ने कई फीमेल एक्ट्रेसेस का ऑडिशन किया है, जिसमें कटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर और दिशा पाटनी के नाम शुमार है। बता दें कि दिशा एंड श्रद्धा आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ मिस्टर घई। अब देखना ये होगा कि क्या होगी सुभाष घई की फाइनल चॉइस। अब बात कर लेते हैं फिल्म की पॉपुलैरिटी के बारे में। विधाता 1 की स्टोरी लाइन दो लवर्स के बीच की स्टोरी थी। गौरतलब है कि ये अब विधाता 2 में कहानी में ट्विस्ट लाया जाएगा। कहानी एक लव स्टोरी थी, अब कहानी 2 लव स्टोरी के बाद की क्लाइमैक्स को दर्शाएगी। विधाता 1 के कैरेक्टर्स पार्ट 2 में भी कंटिन्यू रहेंगे, पर बस कास्ट काफी बदलने नजर आएगी। बता दे कि टाइगर श्रॉफ होंगे कुणाल, श्रद्धा होंगी दुर्गा और अभी गुरबख्श, लेकिन शेर सिंह की कास्ट को फाइनल और इसका ऑडिशन भी नहीं कराया गया है। पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रोल सैफ अली खान और अजय देवगन को मिल सकता है, क्योंकि घई साहब को अजय एंड सैफ का नाम काफी पसंद आता है। घई साहब ने मीडिया से बात करते ये भी कहा कि माधुरी दीक्षित भी मूवी का हिस्सा होंगी। जैसे फिल्म विधाता का म्यूजिक लोगों के सर चढ़कर बोला था, वैसे ही विधाता 2 के लिए साहब ने फेमस राइटर गुलजार जी को अप्रोच किया है। अभी इस बात पर कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी है कि कौन होगा फिल्म का लिरिक्स राइटर। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्या ये मूवी विधाता 1 को हटकटर कर दे पाएगी या नहीं। वैसे ये कहना कम नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। क्या इस फिल्म में आएगी टाइगर और कृति सेनन की जोड़ी फिर से साथ में? क्या दिखेंगे हमें विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ साथ में विधाता के सीक्वल में? क्यों आज के समय में टाइगर श्रॉफ विद्युत जामवाल से ज्यादा मशहूर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी, और आज आपके लिए लेकर आई हूं विधाता 2 से जुड़ी दिलचस्प खबरें। विधाता
विधाता एक 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स की प्रोड्यूस है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी, शमी कपूर थे, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक भूमिकाओं में थे। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। अब सुनने में आया है कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की जोड़ी दिखाई देगी। हर एक्टर अपनी एक स्पेशल टैलेंट के लिए जाना जाता है और यही टैलेंट दिलाता है उन्हें उनकी अलग पहचान। जैसे हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही हर एक्टर एक से अलग होता है। और एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि रोहित शेट्टी जाने जाते हैं उनके एक्शन से भरी फिल्मों के लिए, वहीं करण जौहर मशहूर हैं उनके बड़े सेट और विशाल और ग्रैंड स्केल पर बनाई गई फिल्मों के लिए। वहीं इम्तियाज अली मशहूर हैं उनके पहाड़ों से कनेक्शन के लिए। वैसे ही हर एक्टर भी अलग चैलेंज के लिए जाना जाता है। जैसे कि शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस है, वहीं अक्षय कुमार अपनी पेट्रियोटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और आयुष्मान खुराना ऑकवर्ड और मुश्किल टॉपिक्स की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर एक्शन फिल्मों की बात करें तो उसके लिए हमारी इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ मशहूर हैं। हालांकि एक और एक्टर है जो टाइगर जैसे ही एक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी के लिए जाना जाता है और वो है और कोई नहीं बल्कि कमांडो फेम विद्युत जामवाल। लेकिन सेम क्वालिटीज होने के बावजूद भी आज के समय में टाइगर विद्युत से ज्यादा मशहूर है। तो क्यों है ऐसा, हम आपको बताते हैं। टाइगर श्रॉफ अपने फेम और सक्सेस के पूरे हकदार है, लेकिन कोई भी इस बात से असहमत नहीं हो सकता कि जैकी श्रॉफ का बेटा होने के नाते उन्हें इंडस्ट्री में फायदा तो मिला है। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ साथ में विधाता 2 में दिखेंगे। हालांकि इस फिल्म में विद्युत का विलन का रोल होगा या क्या होगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अगर फिल्म में विद्युत नेगेटिव रोल में होंगे तो इस फिल्म का एक्शन लेवल क्या होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सोच के ही एक्साइटमेंट हो रही है। जब एक से बढ़कर एक एक्शन हीरोज एक दूसरे के सामने आएंगे तो स्क्रीन पर क्या धमाका होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब जब ऐसे दो बड़े एक्टर्स साथ आएंगे तो ये फिल्म एक बार फिर से फिल्म विलन 2 में नजर। क्या सुभाष घई ने क्यों किया था जैकी श्रॉफ को फिल्म में करने से मना? किस फिल्म में साथ नजर आए थे शमी कपूर और दिलीप कुमार? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। 1982 में आई एक फिल्म विधाता उस समय की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी। दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी और सुरेश ओबेरॉय, अमरीश पुरी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को सुभाष घई ने निर्देशित किया था, जबकि गुलशन राय की प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स ने इसका निर्माण किया था। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम इतनी पुरानी एक फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसके जवाब के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना होगा। आइए फिलहाल जानते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। 80s के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार कितने बड़े एक्टर थे, ये हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय में वो हर फिल्म में मेन लीड्स और इम्पोर्टेंट रोल्स निभाया करते थे। लेकिन फिल्म स्वामी दादा में जैकी श्रॉफ की एक्टिंग देखने के बाद निर्देशक सुभाष उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, पर जब वो उनसे मिले तो सुभाष ने खुद उनसे ये फिल्म या किसी भी फिल्म में सपोर्टिंग रोल ना करने को कहा और इंतजार करने को बोला। जैकी ने उनकी बात मानी भी और फिर 1983 में उन्होंने फिल्म हीरो में साथ में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। वहीं दूसरी ओर सालों से इंडस्ट्री में होने के बावजूद ये पहली बार था जब शमी कपूर और दिलीप कुमार ने साथ में काम किया हो। हालांकि उसके बाद सुभाष ने उन्हें अपनी फिल्म हीरो में भी साथ में कास्ट किया था। क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार था जब कादर खान ने दिलीप कुमार के लिए डायलॉग्स लिखे थे? वहीं सुरेश ओबेरॉय जो उस वक्त फिल्मों में बाएं एक्टर थे, यानी कि कुछ छोटे बड़े फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स निभा लिया करते थे, इस फिल्म ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई और वो बहुत मशहूर हुए। खैर, फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कई बातें हैं जो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि आखिर आज हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं इतने सालों बाद। दरअसल आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतने साल पहले आई इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का अब एक रीमेक बनाया जा रहा है। जी हाँ, सुभाष घई इसके रीमेक पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो जल्द ही करेंगे। हालांकि रीमेक में होने वाली मेन लीड कास्ट और बाकी जानकारी के लिए
आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और देखते रहना होगा बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। कैसा होगा विधाता 2 का विलन? क्या विधाता 2 OTT पर रिलीज की जाएगी? क्या विधाता 2 की कहानी रीमेक होगी या फिर होगी ओरिजिनल? हेलो दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम विधाता 2 फिल्म से जुड़ी कुछ चटपटी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, तो इसलिए आप आराम से बैठे रहिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि विधाता एक 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई ने निर्देशित की थी और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा निर्मित थी। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी थे। शम्मी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म को कन्नड़ में पीथमहा के रूप में बनाया गया था। हम अगर विधाता और विधाता 2 के प्लॉट को इंटरकनेक्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे विलन्स को ना भूलने की। विधाता के विलन से कुणाल ने तो अपनी लड़ाई लड़ ली, लेकिन क्या अब दुर्गा और कुणाल के वंशज भी इसी चीज को दोहराएंगे या फिर कुछ अलग ही हो सकती है इसकी कहानी? अगर हम अनुमान लगाएं तो मूवी में टाइगर या ऋतिक को देखा जा सकता है कुणाल के बेटे के रूप में, और अपने प्यार और परिवार के लिए वो दुश्मनों से जंग लड़ेंगे और सारे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आजकल के विलन को स्मार्ट और ताकतवर दिखाया जाता है, तो लाजमी है कि इस बार भी विलन डेंजरस और खतरनाक होगा जिससे हीरो लड़ेंगे। अब आजकल तो सभी जानते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट बहुत ही कम बनता है और लोग बने बनाए कंटेंट को कॉपी करते हैं और उसको रीमेक की तरह परोस देते हैं। जहां आजकल मूवी की बात करें तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाली विधाता 2 की कहानी भी विधाता का रीमेक हो, क्योंकि अभी तक फिल्म को लेकर कोई भी खबर नहीं आई है कि इसकी कहानी क्या होगी। क्या ये सीक्वल होगी, रीमेक होगी या बिल्कुल न्यू कहानी होगी? ऐसे में जहां COVID-19 के चलते फिल्में काफी सारी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं, तो हो सकता है कि आने वाले विधाता 2 भी OTT पर ही रिलीज की जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्शन और क्वालिटी की बात करें तो विधाता 2 काफी एडवांस क्वालिटी में बनेगी, वो पहले वाले विधाता जैसी नहीं होगी। इसमें हमें बहुत अलग और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बड़े पर्दे पर विधाता 2 की क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहांस किया जाएगा ताकि ऑडियंस का पैसा वसूल हो जाए, उन्हें मजा आए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही चटपटी मूवी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ और कमेंट करके हमें बताइए कितना कलेक्शन कर पाएगी विधाता 2 फिल्म के पहले पार्ट के मुकाबले। कौन होंगे लीड रोल में, रणबीर या टाइगर? क्या शमशेरा के बाद बनेगी विधाता 2? जानने हैं सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और बॉलीग्रैड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूं आपका स्वागत, जहां हम आपके लिए हमेशा बॉलीवुड से जुड़ी मजेदार और चटपटी न्यूज लेकर आते हैं। और आज हम विधाता 2 फिल्म से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों के बारे में बात करेंगे, इसीलिए अपने सोफे पर बैठकर आराम से हमारी वीडियो को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विधाता एक 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई ने निर्देशित की है और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म को कन्नड़ में पीथमहा के रूप में बनाया गया था। अगर बात करें संजय दत्त की तो वो फिर से हमें विधाता 2 में दिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो शमशेरा और अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। और हाल फिलहाल में ही उन्होंने लंग कैंसर को मात दी थी और वो भी रेस्टिंग पीरियड पर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शमशेरा में रियल लाइफ संजू और रियल लाइफ संजू एक साथ दिखने वाले हैं और इस वजह से उनके फैंस काफी टाइम से इस मूवी का वेट कर रहे थे और भगवान से भी ये प्रे कर रहे थे कि रियल लाइफ संजू यानी कि संजय दत्त जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और लोगों की दुआ असर भी कर गई, लोगों ने खूब खुशियां मनाई हैं संजय दत्त के ठीक होने पर। हो सकता है कि शमशेरा के बाद जल्द ही विधाता 2 की अनाउंसमेंट और तैयारी शुरू कर दी जाए।
विधाता की बात करें तो संजय दत्त उस टाइम भी काफी चर्चा में थे और अभी भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने बहुत से हिट मूवीज दी हैं इंडस्ट्री को और विधाता में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। विधाता के सीक्वल में अगर इस जनरेशन के हीरो को अप्रोच किया जाए तो उस लेवल के इमोशंस और एक्सप्रेशंस एक्टिंग में आना ना के बराबर ही होगा और ये मेकर्स के लिए एक चैलेंज भी बन गया है। लेकिन अगर हम रणबीर कपूर को संजय दत्त के किरदार में फिल्म के सीक्वल में देखते हैं तो क्या वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? पिछले पार्ट में विधाता का बजट 8 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर उसने 16 करोड़ की कमाई की थी। अब अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए और इफेक्ट्स भी अच्छे रखे जाएं एक तगड़ी स्टोरी के साथ तो ये मूवी काफी ज्यादा हिट हो सकती है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर सकती है। अगर हम मूवी के बारे में बोलें तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये रोल रणबीर कपूर को ही मिले क्योंकि वो रियल लाइफ संजू का रोल पहले भी अदा कर चुके हैं और उन्हें काफी आसानी होगी कुणाल का कैरेक्टर प्ले करने में। वहीं आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि विधाता 2 में आप रणबीर को संजय दत्त यानी कि कुणाल के रूप में देखना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर टाइगर श्रॉफ को। तो चलिए विदा लेते हैं अब आपसे। ऐसी ही चटपटी मूवीज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है इज्जतदार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैण दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। बता दो। ए माइकल जरा देख तो। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है जहां हम आपके लिए हमेशा बॉलीवुड से जुड़ी मजेदार और चटपटी खबरें लेकर आते हैं। और आज हम विधाता 2 फिल्म से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों के बारे में बात करेंगे, इसलिए अपने सोफे पर बैठ के आराम से हमारी वीडियो को एंजॉय करें। विधाता एक 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई ने निर्देशित की थी और गुलशन रॉय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। शम्मी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक सपोर्टिंग रोल में थे। फिल्म को कन्नड़ में पिथमाह के रूप में बनाया गया था। मूवी का बजट 8 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 16 करोड़ की कलेक्शन की थी और इसे काफी अवार्ड से नवाजा भी गया था। 1983 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शम्मी कपूर जी और संजीव कुमार जी को फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अब सुनने में आया है कि इस मूवी का रीमेक बनने वाला है, यानी कि विधाता 2 बनने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका भी सीक्वल बनेगा। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसकी। अगर बात करें मूवी की तो ये हमें नॉस्टैल्जिया वाला फील देगा और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको किस एक्टर को लीड रोल में देखना है। टाइगर श्रॉफ को हो सकता है कि इस मूवी के लिए अप्रोच किया जाए। अगर टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर में आपको चूज करना हो तो आप इस मूवी के लिए किसे चुनेंगे? इस बार की स्टोरी प्लॉटिंग पिछले पार्ट को इंटरकनेक्ट करेगी, जहां से कहानी छूटी थी वहीं से शुरू की जाएगी। और अगर 90s के टाइम की बात करें तो इस जमाने का जो ड्रामा था वो आज के टाइम से काफी अलग है, तो ये भी हमारे लिए देखने वाली बात होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा।
मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैण दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? क्या फिल्म के पहले पार्ट में आई थी रुकावट? क्या फिल्म के लिए डायरेक्टर और एक्टर के बीच तालमेल है जरूरी? कौन से डायरेक्टर एक्टर ड्यूओ आने वाले हैं साथ? साल 1982 में आई फिल्म विधाता में एक्टिंग की बात की जाए तो दिलीप कुमार तो एक्टिंग किंग है ही, और संजीव कुमार सदाबहार भूमिका में हमेशा अपनी छाप छोड़ जाते हैं। संजय दत्त और शम्मी कपूर ने भी अपनी शानदार एक्टिंग से फिल्म की सफलता को आसान बना दिया था। वहीं सुभाष घई के बेमिसाल निर्देशन ने फिल्म की गति को बनाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वैसे ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में फिल्म के सीक्वल में फिल्म की स्टार कास्ट को कौन से डायरेक्टर डायरेक्ट करते नजर आएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 80s के दशक की सुपरहिट मूवी विधाता के आने वाले सीक्वल विधाता 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। 80s के दशक में आई ये फिल्म विधाता की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग्स के इतने आदी थे कि सुभाष घई को विधाता मूवी बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ 10 साल तक कोई फिल्म नहीं की। 10 साल बाद दोनों एक साथ फिर खलनायक में नजर आए थे। सुभाष घई ने फिल्म के बाद मीडिया में इस फिल्म की एक्ट्रेस सारिका और संजय दत्त की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि सारिका ने ऐसे अभिनय किया जैसे वो फिल्म में अभिनय करके एक एहसान कर रही हो। उन्होंने आगे कहा कि संजय के पास इंटेलिजेंस और इंटीग्रिटी नाम की चीज नहीं है। उन्होंने अपने निर्माताओं के साथ मिसबिहेव किया क्योंकि उस समय वो ड्रग्स की लत में रहते थे। वो आगे जोड़ते हैं कि संजय दत्त स्टार बन सकते हैं बट ये बुरी आदतें उनमें रुकावट ला सकती है। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद सुनील दत्त ने सुभाष घई से संजय को अपनी अगली फिल्म में लेने के लिए कहा। घई ने दत्त साहब से पूछा कि क्या वो उनकी जगह पे होंगे तो संजय को अपनी अगली फिल्म में लेंगे। विधाता के दौरान संजय दत्त का नशीली दवाइयों का सेवन एक बड़ी समस्या बन गया था। घई ने शिकायत की कि संजय अपने डायलॉग्स की डबिंग के दौरान गाली गलौज करते थे। ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच का तालमेल बिगड़ ही जाएगा और फिल्म की शूटिंग में काफी सारी रुकावट आएंगी ही। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए निर्देशक और अभिनेता दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ अभिनेताओं ने बिग स्क्रीन पर ऑडियंस को चौंका ही दिया है। इस चीज का श्रेय जाता है एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग एंड कोलैबोरेशन को। तो ऐसे में अगर हम बात करें आने वाली सीक्वल के लिए डायरेक्टर एक्टर के अच्छे ड्यूओ पेयर की तो सबसे आगे नाम आता है विकी कौशल और आदित्य धार का। इन दोनों ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक साथ काम किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर 212 करोड़ की कमाई के साथ। उरी विकी कौशल की 100 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली पहली फिल्म है। अगला नाम है रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी का। ये जोड़ी फिल्म वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी में काम करने से पहले से पुराने दोस्त हैं। दोनों फिल्में एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी। अब ये दोनों मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए कोलैबोरेट
वेट कर रहे हैं और हमें यकीन है कि ये फिल्म भी बिग स्क्रीन पे अपना जादू जरूर बिखरेगी। आगे की लिस्ट में आते हैं अनडाउटेडली कार्तिक आर्यन और लव रंजन की जोड़ी। अपनी फिल्म प्यार का पंचनामा सीरीज के साथ इनका सफर शुरू हुआ। बाद में उन्होंने सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए फिर से कोलैबोरेट किया जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी लिस्ट में राजकुमार राव और हंसल मेहता की भी जोड़ी आती है। ये जोड़ी शाहिद, अलीगढ़ और छलांग जैसी फिल्मों में साथ आ चुके हैं। और आने वाली सीक्वल की बेस्ट पेयर की बात करें तो सलमान खान और सूरज बड़जात्या के साथ एक सफल साझेदारी का आनंद उठाया है। तो आने वाली फिल्म की सीक्वल में इन दोनों को साथ लाना भी परफेक्ट डिसीजन हो सकता है। अगर ये साथ आते हैं तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से शायद ही कोई रोक पाए। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था, जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। क्या बॉलीवुड को मिलने वाली है एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म? क्या होने वाली है किसी न्यू हिट फ्रेंचाइजी की एंट्री? क्या सुभाष भाई के हाथ लग गई है एक नई कहानी? 80 के दशक में पीढ़ियों के बीच टकराव बॉलीवुड की फिल्म निर्माता की कहानियों का मुख्य सोर्स बन जाता था और निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय ने एक बार फिर अपने ऑल स्टार कास्ट विधाता के लिए कढ़ाई में डुबकी लगाई थी और अच्छाई और बुराई के बीच के स्ट्रगल के एक लंबे और कुछ हद तक भ्रमित करने वाली कहानी निकाली थी। इन सभी प्लॉट के बीच घूमी थी 80 के दशक में आई विधाता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने 80 के दशक की सुपरहिट मूवी विधाता के आने वाली सीक्वल विधाता 2 के बारे में। बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। इस फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह था कि एक दादा जो बदमाश के किरदार में थे और जिसे निभाया था उसी सदी के मेगा स्टार एक्टर दिलीप कुमार जी ने। फिल्म में वो एक अनाथ बच्चे को लेकर आते हैं जिसे अपना पोता मानते हैं, जिसका बिहेवियर और नेचर उनसे बिल्कुल ऑपोजिट होता है और इसी प्लॉट के इर्द गिर्द आगे की कहानी घूमती है। हाल ही में चल रहे बॉलीवुड ट्रेंड को अगर फॉलो करके इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाता है तो हो सकता है कि ये एक सस्पेंस ड्रामा एक्शन थ्रिलर कहानी का भी रूप ले ले, जिसमें अपनों से बिछड़ना का एक प्लॉट दिखाया जा सकता है और कहानी के अंत में जाकर बहुत सारे राज का पर्दाफाश हो सकता है। बॉलीवुड में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच बिजनेस, रिवेंज और दोस्ती के टकराव हमेशा से दिखाए गए और ऑडियंस ने ऐसी कहानियों को बहुत सराहा भी है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में विधाता के सीक्वल में हमें एक बेहतरीन फैमिली ड्रामा टाइप स्टोरी देखने को मिल सकती है। पर यह भी हो सकता है कि इस फैमिली ड्रामा सीक्वल का फर्स्ट टाइटल ऑडियंस को ज्यादा न भाए तो फिल्म के नाम में और थोड़ा चेंजेस किए जा सकते हैं और ट्रेंडिंग बनाकर पेश कर सकते हैं, वो नाम जो आज की ऑडियंस ज्यादा प्रेफर करती है और खुद को रिलेट भी कर पाए। शमी कपूर, संजीव कुमार और उस वक्त के नए जनरेशन के अभिनेता जैसे संजय दत्त, अमरीश पुरी, सुरेश ओबेरॉय, पद्मिनी कोल्हापुरी और सारिका ने फिल्म विधाता में अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई किया था। फिर तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर फिल्म विधाता का अगला पार्ट आए तो इसमें भी जरूर किसी बेहतरीन एक्टर्स को ही लिया जाएगा और इसे खास विरासत को आगे लेकर जाए। हाल ही में चल रहे ट्रेंडिंग जोड़ी जैसे टाइगर दिशा, आलिया वरुण को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया जा सकता है, पर उनकी हार तो इस बात पर डिपेंड करती है कि उनके शेड्यूल्स में समय कितना खाली है। जैसा कि हम सभी को मालूम है 1980 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार सेंट्रल और मेजर रोल्स निभाने वाले बहुत बड़े एक्टर माने जाते थे। साइड एक्टर्स की खोज में सुभाष गई ने फिल्म स्वामी दादा में जैकी श्रॉफ के काम को देखने के बाद विधाता के लिए मदानपुरी के बेटे पोंछी गौतम सरीन द्वारा की गई भूमिका की भूमिका निभाने के लिए जैकी श्रॉफ को साइन किया। लेकिन जब बाद में सुभाष भाई जैकी से मिले तो उन्होंने उनसे विधाता न करने का अनुरोध किया। इसके बजाय उन्होंने जैकी को साइड एक्टर के रूप में या फिल्म नहीं करने की सलाह दी और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने के लिए कहा। जैकी ने उनकी बात मानी और इस तरह ब्लॉकबस्टर हीरो 1983 का परिणाम था। तो ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स शायद इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को बढ़ाने के लिए किसी नए एक्टर की तलाश में है और इसे आने वाली फिल्म में अपनी रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाए। आपको ये भी बता दें कि ये मात्र एक ही बार ऐसा था जब तीनों लेजेंड दिलीप कुमार, शमी कपूर और संजीव कपूर साथ आए थे। तो हो सकता है कि इस फिल्म के आने वाले सीक्वल में फिल्म के फर्स्ट पार्ट की ही तरह फिल्म को मल्टी स्टार बनाया जाए और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को साथ में काम करने के लिए अप्रोच भी किया जाए। पर सोर्सेज की माने तो फिलहाल सारे सुपरस्टार्स अपने कई प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, पर आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन होगा इस ब्लॉकबस्टर का हिस्सेदार।
कोई नया एक्टर या वही सुपरस्टार्स होंगे रिपीट। तो क्या भी आने वाले दिनों मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तू बोला था मैंने की तरह सबसे खतरनाक हथियार तेरा भेजा। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। एके! मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था। मैम, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालाज। तू कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. I'll be a fight very much, Sekhar. मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तू आ। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को दस दस मिल के मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहां से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब मानना ही पड़े। क्या फितरत, इस साले को तो मैं पर्सनली मारूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल जरा देख तो।
इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? क्या फिल्म विधाता 2 के लिए टाइगर का रोल आ गया खतरे में? इस आधुनिक जमाने की आधुनिक कहानी की क्या क्या है डिमांड और कैसे किस्मत को मात दे रहा है इस फिल्म का हीरो? हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। विधाता के पास हम सभी के जीवन के लिए एक योजना और उद्देश्य है। जैसे कि हम सभी मनुष्य का इस धरती पर कोई ना कोई उद्देश्य है। जब कभी भी आप ऐसी बातें सुनते हैं तो उसे अपने दिमाग, दिल और आत्मा में उतरने दीजिए। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानो, आशा करो, विश्वास करो। देखो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। और हमेशा याद रखो कि ईश्वर तुमसे प्यार करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म विधाता के बारे में, जो 3 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई थी, जिसका कमाल का डायरेक्शन किया था सुभाष घई ने। एक बहुत ही अच्छी लाइन मुझे अभी याद आती है कि ये हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। और इसी लाइन को फिल्म विधाता में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में रेल कर्मी की भूमिका निभाने वाले कलाकार दिलीप कुमार, जो आज हम सभी के बीच में नहीं है, जिन्हें ट्रेजेडी किंग करके बुलाया जाता था, न केवल उनकी एक्टिंग बल्कि उनके डायलॉग बोलने का वो जो ड्रामेटिक स्टाइल था वो हर पीढ़ी को प्रभावित करता है। इस फिल्म में उनके काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनका एक डायलॉग मुझे याद है, अगर मैं चोर हूँ तो मुझसे चोरी कराने वाले तुम हो, अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझसे जुर्म कराने वाले तुम हो। इस डायलॉग में उनके कैरेक्टर का दर्द साफ बयां होता है, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि इस फिल्म की एंडिंग दर्शकों के लिए एक हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन दिलीप कुमार यानी कि शमशेर के पोते के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं थी, क्योंकि इस फिल्म के अंत में ही उसे पता चला कि उसके प्यार से उसको अलग करने के पीछे उसके दादाजी का ही हाथ है। वहीं दर्शक जब भी इस फिल्म के सीक्वल की खबर सुनते हैं तो उनसे इंतजार ही नहीं होता। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के पहले होने की बात की गई थी। अगर ऐसा है तो टाइगर श्रॉफ का रोल अब खतरे में पड़ गया है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म का सीक्वल अपने पहले पार्ट से एकदम अलग होने वाला है। हालांकि फिल्म का टाइटल है विधाता, तो जाहिर सी बात है कि किस्मत का खेल ही दिखाया जाएगा। लेकिन इस सीक्वल के प्लॉट को सुनकर आप खुद ही कहेंगे कि क्या सच में टाइगर श्रॉफ इस सीक्वल के लिए परफेक्ट है, या फिर फिल्म मेकर्स को अब एक नए चेहरे की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। सीक्वल के डिमांड के हिसाब से इस फिल्म में एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत है जो एक ही समय पर सीरियस और फनी दोनों हो जाए। ये सुनकर आपके मन में कौन सा नाम आया हमें भी जरूर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वल इस जमाने में आ रहा है तो दर्शकों के डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें इस जमाने का एक्शन सीन भी चाहिए, सॉन्ग्स भी चाहिए, डायलॉग्स भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो उन्हें पुराने 80s और 90s के जमाने के एक ही थीम वाले फिल्म की स्टोरी नहीं चाहिए। बेशक पुराने जमाने की फिल्में बेहद खास होती थी, हम उन्हें ही तो देख कर बड़े हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड ने ही तो हम सभी दर्शकों को बिगाड़ा है। क्रिश, वॉर, केसरी, हाउसफुल और न जाने ऐसी कितनी फिल्में देकर हम तो चाहते थे कि आप डायरेक्ट फिल्म को स्क्रीन पर देखकर ही इस फिल्म के सरप्राइजेस का मजा ले सके। लेकिन आपके इंतजार को देखकर लगता है कि हमें इस फिल्म के प्लॉट को बताना ही पड़ेगा। इस फिल्म में जो कोई भी हीरो होगा वो अपनी किस्मत को सिर्फ 24 घंटे में कैसे मात देगा ये दिखाया गया है। नहीं समझे, यानी कि इस फिल्म के हीरो के पास हैं सिर्फ 24 घंटे। अब उन 24 घंटे में वो क्या क्या कमाल करता है ये तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि इंतजार के साथ
थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी तो जरूरी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन तब तक आप हमें बताएं कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी और कितनी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का। इस फिल्म खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना, बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, इसलिए नहीं आई क्योंकि कभी कुछ था। कैसी है फिल्म विधाता के हीरो दिलीप कुमार की तबीयत का हाल? यूसुफ खान से क्यों बने दिलीप कुमार? विधाता 2 में क्या बनने वाली एक बार फिर ऐ दिल है मुश्किल की जोड़ी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। दिलीप कुमार को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं, जिसके चलते उनकी अपडेट सोशल मीडिया पर आती रहती है। अब कल ही उनको हिंदुजा अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया। यूजर्स दिलीप कुमार से उनकी सेहत का हाल भी पूछते नजर आए थे। साथ ही दिलीप कुमार 98 साल के हैं और बढ़ती उम्र के से संबंधित बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। पत्नी सायरा बानो उनका ख्याल रखती है। मई 2021 के शुरुआती दिनों में भी उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। बता दें कि साल 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने अपने दो भाइयों को खो दिया था। दिलीप कुमार की बात करें तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका पहला नाम यूसुफ खान था। फिल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम बदल कर दिलीप कुमार रख लिया। फिल्म ज्वार भाटा की प्रोड्यूसर देविका रानी ने उन्हें ये नाम दिया था। उन्होंने एक से बढ़ के एक फिल्मों में काम किया है, जिसमें मुगले आजम, देवदास, सौदागर, कर्मा, नया दौर, दुनिया, अंदाज, फुटपाथ, आदमी, गोपी, अमर, विधाता, मेला जैसी फिल्में शामिल हैं। पर्सनल लाइफ में दिलीप और सारा की बात करें तो दोनों ही हर पल साथ रहते हैं। सारा दिलीप कुमार का पूरा ख्याल रखती है। 1966 में दोनों ने किसी को बिना बताए शादी कर ली थी। अब बात इनकी फिल्म विधाता की करें तो आपको बता दें कि इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स में संजय दत्त और शमी कपूर भी शामिल थे। इनमें से संजय दत्त ड्रग के इतने आदी थे कि सुभाष घई के विधाता मूवी बनने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ 10 सालों तक कोई फिल्म नहीं की। 10 सालों बाद दोनों ने एक साथ फिर खलनायक में काम किया। 1982 में दो बड़े बैनर की फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें एक थी विधाता और दूसरी स्वामी दादा। विधाता फिल्म से सुभाष घई को पहचान मिली थी। उसके बाद उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ हीरो बनाई, जो भी हिट हुई। इसी यादगार फिल्म को फिर से याद करने के लिए सुभाष घई ने एक बार फिर विधाता का दूसरा पार्ट बनाने को तैयार है, जिसमें अब की बार संजय दत्त की जगह रणबीर कपूर को कास्ट किया गया है। वैसे तो रणबीर अभी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी बिजी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्होंने फिल्म विधाता के लिए डेट दे दी है। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग का काम पूरा होते ही विधाता 2 पर काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में रणवीर के ऑपोजिट अनुष्का शर्मा कोहली को कास्ट किया गया है। जी हां, उनकी नन्ही वामिका के आने के बाद अनुष्का का ये पहला मूवी होगा। इससे पहले अनुष्का शर्मा रणवीर कपूर के साथ ऐ दिल है मुश्किल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स से कर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। इस
आए क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे। रेखा और संजय के बीच क्यों चली थी अफवाहों की खबर, क्यों माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त के साथ अपना रिश्ता तोड़ा था, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में। तिवलाश तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, एक समय था जब संजय दत्त और रेखा के अफेयर की अफवाहें हर जगह आग के जैसे फैल गई थी। जी हाँ, उस दौरान कई न्यूज़पेपर्स में भी ये प्रकाशित हुआ था और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि संजय दत्त और रेखा ने चुपके से शादी भी कर ली है। ये अफवाहें इसीलिए चलाई जा रही थी ताकि अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को तोड़ा जा सके। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, ये आज तक किसी को पता नहीं चली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन सब के बावजूद संजय दत्त का नाम बॉलीवुड के कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। हालांकि सबसे ज्यादा अगर वो किसी को लेकर सीरियस थे तो वो थी माधुरी दीक्षित। अपनी पहली पत्नी ऋचा की मौत के बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त कुछ फिल्में साथ कर रहे थे और इस दौरान वो दोनों करीब आ गए थे। ऐसी अफवाहें भी चल रही थी कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन बाद में संजय दत्त को एक केस के चलते जेल हो गई, जिसके बाद माधुरी दीक्षित ने अपने कदम पीछे कर लिए और फिर इनका रिश्ता भी टूट गया। साथ ही ये किस्सा भी जान लीजिए कि संजय दत्त के बहुत बड़े फैन रहे हैं हमारे भाई जान यानी सलमान खान। जी हाँ, वो संजय दत्त से इतने इंस्पायर्ड थे कि अपनी फिल्म साजन के लिए उन्होंने संजय दत्त के जैसे ही अपना हेयर स्टाइल भी कर लिया था। संजय दत्त ने ही उन्हें जिम जाने के लिए प्रेरित भी किया। इन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में भी काम किया और साथ ही रियलिटी शो बिग बॉस में भी साथ होस्ट करते हुए नजर आए। आज भले ही संजय दत्त और सलमान खान एक साथ नजर नहीं आते हों, लेकिन इनकी गहरी दोस्ती अभी तक बरकरार है। शायद यही वजह है कि विधाता 2 में संजय दत्त की जगह पर सलमान खान को कास्ट किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त का किरदार सलमान खान बखूबी निभा सकते हैं। वैसे तो संजू की रिलीज के बाद रणबीर कपूर को बॉलीवुड का नया संजय दत्त कहा जाने लगा था, लेकिन संजय दत्त ने खुद इस बारे में अपनी इच्छा जाहिर की कि वो विधाता 2 में सलमान खान को देखना चाहते हैं। हालांकि हमारे ऑडियंस की माने तो वो लोग एक बार फिर से सलमान खान और संजय दत्त की जोड़ी को किसी फिल्म में एक साथ देखना चाहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश कब पूरी होती है, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताइए कि आप विधाता 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो
समझती है ना? तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? ते खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? ए, खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना? तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। विधाता डायरेक्टर सुभाष घई भी क्या थे कभी अभिनेता? सुभाष घई के लिए क्या है अल्फाबेट एम का राज? महिमा, माधुरी या मनीषा कौन होंगी विधाता 2 की हीरोइन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में शोमैन की चर्चा होती है तो नाम प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर का ही लिया जाता है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि हिंदी सिनेमा में एक और शोमैन है जो अपनी ही निर्देशित फिल्मों में एक छोटी भूमिका में दिखाई देता है। यहाँ बात हो रही है जाने माने निर्देशक सुभाष घई की। जी हाँ, ये हमेशा ही अपनी मूवी के बीच में किसी भी सीन में ये देखने आ जाते हैं कि दर्शकों को कहीं पॉपकॉर्न की कमी तो नहीं हो रही। खैर, आपको बता दें कि सुभाष घई का जन्म 24 जनवरी 1945 को महाराष्ट्र के नागपुर के एक डेंटिस्ट परिवार में हुआ। घई की शिक्षा दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर स्थित हरियाणा के रोहतक में हुई। रोहतक से स्नातक की डिग्री लेने के बाद घई 21 साल की उम्र में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए। वहां उन्होंने निर्देशन का काम सीखा। हालांकि शुरुआत में वो फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए पुणे इंस्टीट्यूट आए थे, उस दौरान सुभाष घई कहानियां भी लिखते थे। कई बड़े निर्माता निर्देशक उनकी कहानियों को पसंद भी करते थे, तब उन्हें कहानियों की अच्छी कीमत भी मिलने लगी थी। सुभाष घई ने अपने करियर की शुरुआत अभिनेता के रूप में की थी। फिल्म तकदीर और आराधना में उनकी छोटी सी भूमिका रही है। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म कालीचरण थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। हिंदी सिनेमा में 80 का दशक सुभाष घई का ही माना जाता है। इस दशक में उनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट रहीं। इनमें विधाता, कर्मा, हीरो, मेरी जंग और राम लखन शामिल थी। इस दौरान घई ने दिलीप कुमार जैसे बड़े अभिनेता के साथ भी काम किया। बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले निर्देशक सुभाष घई अपनी फिल्मों के लिए ऐसी अभिनेत्रियों का चुनाव करते हैं जिनका नाम एम से ही शुरू होता है। फिल्म हीरो से मीनाक्षी सुहाद्री, राम लखन से माधुरी दीक्षित, सौदागर से मनीषा कोइराला और परदेश से महिमा चौधरी ने बॉलीवुड में ऐसा धमाल मचाया
जो हर किसी के बस में नहीं होता। केवल महिमा चौधरी को छोड़कर तीनों ही अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में राज किया है। इन सबकी सफलता के पीछे केवल सुभाष घई की ही मेहनत है। अब फिर से इसी फॉर्मूले के साथ घई साहब विधाता 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें फिर से एक एम नाम की ही एक्ट्रेस काम करेंगी। अब वो कहीं माधुरी, महिमा या मनीषा तो नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगी विधाता 2 में एम नाम? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तो आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा। What the hell is wrong with you? मेरा मुंबई का बाहर निकाला ना भाई। इस बार उसने डायरेक्ट खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। ए माइकल, जरा देख तो।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? ये खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। एके! मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था, जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। एके! मैं नहीं जानता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। एके! मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। हमारे सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा। What the hell is wrong with you? मेरा मुंबई का बाहर निकालना है भाई। कौन था 1982 की विधाता में खतरनाक खलनायक? क्यों एक नए विलन को कास्ट किया जा रहा है विधाता के सीक्वल के लिए? जैकी श्रॉफ को क्यों हाथ धोना पड़ा विधाता 2 से? आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने शानदार शख्सियत के दम पर
सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। बेशक वो आज हमारे साथ नहीं है, अमरीश पुरी ने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे थे। अमरीश पुरी के अभिनय ने दर्शकों के दिल में खौफ पैदा करने के साथ साथ लोगों के आंखों में आंसू लाने तक का हुनर था। आपको बता दें कि नौकरी के साथ साथ अमरीश पुरी ने पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। साल 1979 में अमरीश पुरी को संगीत नाटक एकेडमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अमरीश पुरी पहले स्क्रीन टेस्ट में पास नहीं हुए थे। वे एक्टिंग से पहले एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में नौकरी करते थे। बॉलीवुड के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी एक्टर के एल सिंगर के कजिन भाई थे। अमरीश पुरी ने साल 1982 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म विधाता में खलनायक का किरदार निभाया था। दर्शकों को उनका ये किरदार बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर को 40 साल की उम्र में चार चांद लगा था। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम पांच से अमरीश पुरी को पहचान मिली। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने खलनायक का किरदार निभाया था। अमरीश पुरी को बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इन्होंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी 1982 में भी काम किया था। अमरीश पुरी ने अपनी फिल्मी करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश मशहूर ने हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोनस एंड द टेंपल डूब में भी अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशन स्टीवन स्पिलबर्ग के द्वारा निर्देशित किया गया था। अमरीश पुरी का निधन 12 जनवरी 2005 को हुआ। वे कैंसर की जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। फिर 2005 में हमने फिल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन खलनायक खो दिया। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन परेशानी ये है कि अब विधाता मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है। जैसे कि हमने बताया कि पहले पार्ट में अमरीश पुरी ने विलन की भूमिका निभाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो हमारे साथ नहीं। तो इन सब में अब कौन होगा जो देगा अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग को टक्कर? तो इस बात का हल निकालते हुए पहले जैकी श्रॉफ को इस किरदार के लिए फाइनल किया जा रहा था, लेकिन फिर उनका नाम इस सूची से हटा दिया गया और अब रितेश देशमुख को इस किरदार के लिए चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो कोई उम्र दराज इंसान होना चाहिए था, लेकिन अब जो मेकर्स ने कह दिया तो फिर वो किसी के बाप की नहीं सुनते। वैसे भी ये फिल्म है और यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, और रितेश भी विलन का रोल पहले अपनी फिल्म बागी में और एक विलन में कर चुके हैं। इसमें इनकी काफी बेहतरीन एक्टिंग थी। अब ये कैसे इस रोल को निभा पाएंगे, क्या क्या इनके लुक में चेंज किया जाएगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल जरा देख तो। इसलिए नहीं आए क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? खूनी को बचाने के लिए तो मेरे साथ सोने के। मिस्टर इंडिया के कौन से काम बनाए विधाता ने? सात सहेलियां ने कौन से विवाद खड़े किए? क्या विधाता 2 में देंगे आतिफ असलम अपनी आवाज? आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर की फिल्म विधाता की, लेकिन इसका नाम विधाता था ही नहीं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत किस्सों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि जब सुभाष घई अपनी मल्टी स्टारर फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त अभिनेता अनिल कपूर की एक आदत थी कि वो अक्सर इस फिल्म के सेट पर सुभाष से मिलने चले आया करते थे। वो हमेशा सुभाष से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर किसी फिल्म की कास्टिंग हो तो उस समय उन्हें भी ध्यान में रखें। इसलिए अनिल सुभाष घई के ध्यान में बस गए थे। सुपरहिट फिल्म हीरो के बाद जब सुभाष घई ने 1985 में अनिल कपूर को लेकर फिल्म मेरी जंग बनाई तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म में जैकी श्रॉफ को क्यों नहीं लिया, तो इसका कारण सुभाष ने बताया कि ये किरदार अनिल के ही लायक था। आपको बता दें कि सुभाष घई कई बार दोहराए गए फॉर्मूलों को भी नए अंदाज में पेश करने में माहिर है। फिल्म विधाता में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से वो अपनी फिल्म की ऐसी सुरीली सजावट करते नजर आए थे। साथ ही अगर फिल्म को कारोबारी फायदा होता हो तो वो कभी कभी छोटे मोटे विवाद खड़े होने का खतरा भी झेल लेते थे। पहले उनकी विधाता के गाने सात सहेलियां खड़ी खड़ी और बाद में खलनायक के चोली के पीछे क्या है को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, जिसको सुलझाने खुद बाल ठाकरे को आना पड़ा था। तो अब आपको बता दें कि कई साल बाद सुभाष घई फिर से सक्रिय होकर अपनी कालीचरण के रीमेक और खलनायक और विधाता के सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। यानी कालीचरण की कहानी नए कलाकारों के साथ सुनाई जाएगी, जबकि खलनायक और विधाता रिटर्न्स का किस्सा पहले की फिल्म के आगे से शुरू होगा। दोनों फिल्मों के लिए घई को कलाकार तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के विकल्प खोजना कड़ी चुनौती है। घई की हीरो, कर्ज, कर्मा, राम लखन, सौदागर और खलनायक और विधाता की कामयाबी में इस तिकड़ी का बड़ा योगदान रहा था। तो अब देखना यह है कि विधाता के सीक्वल के लिए कौन सी संगीतकार की जोड़ी को फाइनल किया जाता है। तो क्या आप विधाता और खलनायक के सीक्वल देखने को तैयार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर। आखिर किसे डांटा था शमी कपूर ने शूटिंग के दौरान? कैसे हुई दिलीप कुमार की शादी कम उम्र की सायरा से? और विधाता 2 के लिए क्या प्लान है मेकर्स का? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहाँ हम आज बात करने वाले हैं फिल्म विधाता के बारे में, जिसमें दो दिग्गज कलाकारों ने एक साथ काम किया था, जो थे शमी कपूर और दिलीप कुमार। लेकिन इन दोनों ही एक ऐसे सुंदर बाला से जुड़े हैं जो उनके जमाने की एक काफी बेहतरीन कलाकार थी।
हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन पर उस दौर के लाखों नौजवान फिदा थे। अपने दौर में सायरा बानो बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। दिलीप कुमार संग सायरा बानो की शादी ने बेशक कई नौजवानों के दिलों को तोड़ा था, लेकिन इस जोड़े की मोहब्बत आगे चलकर दुनिया के लिए एक मिसाल बनी थी। हालांकि इस बात से बेहद कम लोग ही वाकिफ होंगे कि दिलीप कुमार सायरा बानो का पहला प्यार नहीं थे। सायरा बानो एक दूसरे बॉलीवुड एक्टर पर काफी हद तक फिदा थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। हालांकि सायरा की मां नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसा कोई भी कदम उठाए, लेकिन सायरा उस बॉलीवुड एक्टर पर इतनी ज्यादा फिदा थी कि वो अपनी मां के भी खिलाफ हो गई थी। आपको बता दें कि इनका जन्म 23 अगस्त 1944 को हिमाचल प्रदेश के मसूरी के एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका ज्यादातर बचपन लंदन में ही बीता था। इनकी मां नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस थी और वो भी अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर थी। इनकी मां को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। 1930 और 1940 के दशक में नसीम बानो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। ईयर 1960 में सायरा बानो वापस भारत लौट आई। इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू भी कर दिया। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये काफी छोटी थी तो इन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह साइड एक्ट्रेस का किरदार ऑफर किया गया, लेकिन सायरा इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। सायरा ने साफ कह दिया कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो मेन हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। फिर ईयर 1961 में सायरा बानो को शमी कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला फिल्म जंगली में। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज तक इस फिल्म का चर्चा होता है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि शमी कपूर उन दिनों एक बड़े स्टार थे। नई नवेली सायरा को जंगली फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान काफी परेशानी आ रही थी। इससे शमी कपूर काफी चिढ़ गए और उन्होंने सायरा को कह दिया कि काम करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो अपने घर बैठो। शमी कपूर की इस बात ने सायरा बानो पर काफी असर किया और उसके बाद सायरा ने खुद को तैयार किया और फिर पूरी फिल्म में बेहद शानदार काम भी किया। इस फिल्म के लिए सायरा बानो को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। सायरा बानो दिलीप कुमार को काफी पसंद करती थी, वो उनके साथ किसी फिल्म में काम भी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि दिलीप कुमार उम्र में सायरा बानो से काफी बड़े थे तो उन्हें लगता था कि सायरा बानो उनके सामने काफी बच्ची है और उनके साथ उनकी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। फिल्म राम और शाम के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो का नाम हटवा दिया और मुमताज को अपनी हीरोइन चुना। सायरा बानो इससे काफी नाराज भी हुई थी। फिर एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार को अपने दिल की पूरी बात सुना डाली और कहा कि वो उनसे काफी मोहब्बत करती है और शादी भी करना चाहती है, पर क्योंकि दिलीप कुमार उस वक्त तक दो दफा मोहब्बत में नाकामयाब हो चुके थे तो उन्होंने सायरा बानो में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दिलीप साहब को एहसास हो चुका था कि सायरा उनसे बेहद प्यार करती है। आखिरकार एक दिन सायरा बानो की मोहब्बत ने दिलीप कुमार को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और फिर ईयर 1966 में इस जोड़ी ने शादी भी कर ली। और तो और शादी के बाद सायरा बानो की दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की तमन्ना भी पूरी हुई और बैराग, सगीना और गोपी जैसी फिल्मों में ये दिलीप कुमार की हीरोइन भी बनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी कहानी आखिर क्यों सुना दी, वो भी तब जब सायरा तो फिल्म विधाता में थी ही नहीं। तो आपको बता दें कि जैसे कि फिल्म विधाता इमोशन पर बेस्ड थी, वैसे ही अब विधाता 2 भी प्यार के इमोशन पर बेस्ड होने वाली है, जो कि एक छोटी उम्र की लड़की और बड़े उम्र के लड़के के बीच फिल्माई जाएगी। अब सायरा बानो और दिलीप कुमार से बढ़कर कौन ही हो सकता है इसकी मिसाल के लिए। और ये जोड़ी एक बार फिर से एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाली है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए नहीं बल्कि फिल्म ट्रिब्यूट के लिए। जी हाँ, इनकी रियल लाइफ के कुछ चटपटे किस्सों को विधाता 2 फिल्म से पहले स्क्रीनिंग के तौर पर दिखाया जाएगा। तो चलिए अब आप हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिब्यूट की खबर सुन के आपको आखिर कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद
इतनी जल्दी क्या? अभी तो मैंने स्टार्ट किया। आखिर क्या कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा फिल्म विधाता 2 में? पैसों का अमीर होना कितना आसान है दिल के अमीर होने से? तो दोस्तों आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म विधाता के सीक्वल विधाता 2 के बारे में। सालों पहले आई सुभाष घई की फिल्म विधाता में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर दिखाए गए हैं ट्रेन के ड्राइवर्स, वहीं दोनों होते हैं बहुत अच्छे दोस्त भी। उसके बाद दिलीप कुमार अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और बहुत अरसे तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दोनों मिलते हैं और दिलीप कुमार उन्हें अपनी बड़ी हवेली में ले जाते हैं। वहां पर जाकर शम्मी कपूर दिलीप कुमार से पूछते हैं, अरे लाला तू इतना अमीर कैसे हो गया? शम्मी कपूर एक बार ये सवाल फिर पूछते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। उसके कुछ समय बाद जब वो बाजार से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि लोगों की बहुत सारी भीड़ एक जगह इकट्ठा है और उन दुकानों में जो सेल्समैन बैठे हैं उन्हें तो सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। आश्चर्य होता है कि इस गरीब देश में इतने सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। अब दोस्तों देखने की बात यह है कि ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानें तो जरूर होती हैं, इतनी सारी चीजें बहुत होती हैं, बहुत से अमीर लोग हैं, लेकिन आज भी गरीब जो है वो तड़प रहा है, उसकी मदद करने इनमें से कोई आगे नहीं आता। अब दोस्तों फिल्म के अलावा अगर आप रियल लाइफ में देखें तो भारत में बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं। इन बीमारियों के चलते बहुत से लोग हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके प्यारे उनके चाहने वाले अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, सिर्फ लोग मरते चले जा रहे हैं और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आए दिन यानी कि हर आने वाले दिन के साथ एक न एक पेशेंट की गिनती बढ़ती चली जा रही है, वहीं रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने का सबसे बड़ा रीज़न है खाने में मिलावट। जी हाँ, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध हो या फिर और खाने की चीज़ें, हर चीज़ में कहीं ना कहीं मिलावट ज़रूर हुई है। कोई ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र उस चीज़ को ज़्यादा एनरिच करने के लिए डाला जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। अब दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पिछली मूवी में तो शम्मी कपूर को अपनी बात का जवाब नहीं मिला, लेकिन विधाता 2 में उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, जहाँ फिल्म विधाता 1 यानी कि ओरिजिनल फिल्म विधाता भावनाओं पर यानी कि फीलिंग्स पर बेस्ड थी, वहीं आने वाली फिल्म विधाता 2 भी भावनाओं पर बेस्ड होने वाली है, लेकिन इस फिल्म में हमें भावनाएं दिखाई जाएंगी अपने पूरे देश की, अपने देश की उस गरीब इंसान की जिसकी कोई नहीं सुन पाता। इस फिल्म में मुश्किलों की और अर्थव्यवस्था की भावना दिखाई जाएगी। इस फिल्म में सोसाइटी की वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जिनको शायद हम नहीं समझ पाते, जिनको शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर यानी कि अमिताभ बच्चन दिखाने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि फिल्म में अमिताभ बच्चन हमें एक अमीर आदमी के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं या फिर एक गरीब आदमी के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। ए माइकल जरा देख तो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की।
पूरा मोहल्ला जानता है। इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? ये खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? आखिर कैसी है फिल्म? विधाता के हीरो दिलीप कुमार की तबीयत का हाल, यूसुफ खान से क्यों बने दिलीप, दिलीप कुमार विधाता 2 में क्या बनने वाली, एक बार फिर ऐ दिल है मुश्किल वाली जोड़ी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म विधाता के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। इस फोटो में सफेद चादर लपेटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये 2013 की तस्वीर है। तस्वीर को शेयर कर दिलीप कुमार ने लिखा, मदीना से मक्का, उमरा 2013 अरकाइस हैशटैग मक्का। दिलीप कुमार की इस फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तमाम तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। यूजर्स ने दिलीप कुमार से उनकी सेहत का हाल भी पूछा है। साथ ही दोस्तों दिलीप कुमार 98 साल के हैं और बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं। पत्नी सायरा बानो उनका ख्याल रखती हैं। दोस्तों बता दें कि मई 2021 के शुरुआती दिनों में उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। बता दें दोस्तों कि 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते हुए उन्होंने अपने 2 भाइयों को खो दिया था। दोस्तों दिलीप कुमार की बात करें तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका पहला नाम यूसुफ खान था। फिल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। दोस्तों फिल्म ज्वार भाटा की प्रोड्यूसर देविका रानी ने उन्हें ये नाम दिया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, जिसमें मुगले आजम, देवदास, सौदागर, करमा, नया दौर, दुनिया, अंदाज, फुटपाथ, आदमी, गोपी, अमर, विधाता, मेला जैसी फिल्में शामिल हैं। पर्सनल लाइफ में दिलीप और सायरा की बात करें तो दोनों हर पल साथ रहते हैं। सायरा दिलीप कुमार का पूरा ख्याल रखती हैं। 1966 में दोनों ने किसी को बिना बताए शादी कर ली थी। अब बात इनकी फिल्म विधाता की करें तो आपको बता दें कि इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स में संजय दत्त और शमी कपूर भी शामिल थे। इनमें से संजय दत्त ड्रग्स के इतने आदी थे कि सुभाष घई को विधाता मूवी बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों उसके बाद सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ 10 वर्षों तक कोई फिल्म नहीं की थी। 10 वर्षों बाद दोनों एक साथ फिल्म खलनायक में नजर आए थे। साथ ही विधाता फिल्म की अधिकतर शूटिंग ताज नगरी आगरा में हुई थी। दिलीप कुमार का जो सुंदर सा घर दिखाया गया है वो आगरा की मुगल शेरेटन होटल का है। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त वाले रोल के लिए पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने ये करने से मना कर दिया। दोस्तों 1982 में 2 बड़े बैनर की फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें एक थी विधाता और दूसरी स्वामी दादा। विधाता फिल्म से सुभाष घई को पहचान मिली थी। उसके बाद उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ हीरो बनाई, जो भी हिट हुई। साथ ही 1968 में संघर्ष फिल्म के बाद दिलीप कुमार और संजीव कुमार विधाता में कई साल बाद एक साथ नजर आए थे। तो दोस्तों इसी यादगार फिल्म को एक बार फिर से याद करने के लिए सुभाष घई फिर से विधाता का दूसरा पार्ट बनाने को तैयार है, जिसमें आपके बार संजय दत्त की जगह रणवीर कपूर को कास्ट किया गया है। वैसे तो रणवीर अभी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी बिजी हैं, लेकिन खुशी की बात ये है दोस्तों कि उन्होंने फिल्म विधाता के लिए डेट दे दी है। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग पर काम पूरा होते ही विधाता 2 पर काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म में रणवीर के ऑपोजिट आपको अनुष्का शर्मा कोहली नजर आने वाली हैं। जी हाँ, उनकी ननी वामिका के आने के बाद अनुष्का की ये पहली मूवी होगी। इससे पहले अनुष्का शर्मा रणवीर के साथ ऐ दिल है मुश्किल में नजर आई थी, जिसमें इनकी जोड़ी को काफी सराहा गया था। तो दोस्तों अब आप एक बार फिर इस जोड़ी को विधाता 2 में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ... मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस से फोर्स लेकर आता हूँ। What the hell is wrong with you? खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो?
क्या अगर तुमसा नहीं देखा हिट नहीं होता तो क्या छोड़ देते शमी कपूर फिल्म इंडस्ट्री? क्यों कहा जाता था शमी जी को बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ले? फिल्म विधाता 2 में रेल वाला शूट कहाँ किया जाएगा, रिक्रिएट? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर शमी कपूर के बारे में, जो हमें 1982 में दिलीप कुमार संजय दत्त के साथ नजर आए थे। आज बेशक शमी कपूर भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके किस्से आज भी लोगों के जहन में है। ये ऐसे किस्से हैं जो शायद आपने पहले सुने हो या शायद कभी ना सुने हो। तो चलिए दोस्तों इन किस्सों के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो और फिर से शमी जी की जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शमी कपूर अपना करियर न चलने के कारण काफी परेशान थे। एक परेशानी की वजह उनकी ये भी थी कि गीता बाली उस समय उनसे बड़ी कलाकार थी। एक दिन दुखी होकर शमी ने गीता से कहा कि अगर उनकी फिल्म तुमसा नहीं देखा नहीं चली तो वो इंडस्ट्री छोड़ देंगे। उस समय गीता ने उन्हें संभाला और कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे। पर इस बार किस्मत शमी के साथ थी, उनकी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिर उनकी एक के बाद एक कई फिल्मों ने पर्दे पर शानदार प्रदर्शन किया। अब दोस्तों साथ ही ये तो जग जाहिर है कि शमी कपूर के डांस का तो हर कोई आज भी दीवाना है, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों में कभी भी कोरियोग्राफर की मदद नहीं ली है। वो खुद ही अपने मन से डांस करते थे। उन्हें बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ले कहा जाता था। दोस्तों बता दें कि शमी एल्विस प्रेस्ले के बहुत बड़े प्रशंसक थे। आपको बता दें कि ये बात है साल 1982 की फिल्म विधाता की। इस फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। शमी के अलावा इस फिल्म में दिलीप कुमार भी थे। दोनों को साथ में लेकर सुभाष घई एक गाना शूट करना चाहते थे। गाना लिखा गया, तैयारी हुई, पर दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज था कि असल में चलती हुई रेल के इंजन के पास विजुअल शूट करना। गाना था हाथों की चंद लकीरों का। शमी और दिलीप दोनों रेल ड्राइवर बने थे। दोनों कलाकारों और फिल्म की टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सभी ने बहुत अच्छे से रेल इंजन की भयंकर गर्मी बर्दाश्त करते हुए इस गाने को शूट किया। अब बात फिल्म विधाता की चल ही गई है तो आपको बता दें कि फिल्म विधाता का फिर से रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें फिर से हाथों की चंद लकीरों का गाना फिर से रीमेक किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि इस गाने को रिमिक्स करने के लिए पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को बुलाया गया है। अब देखना यह है कि क्या इस गाने का रीमेक भी उतना ही पॉपुलर होगा जितना इसका ओरिजिनल सॉन्ग हुआ था। अब दोस्तों बात इसे फिल्माया जाने की जाए तो दोस्तों एक बार फिर इसे रेल में ही फिल्माया जाने वाला है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये रेल म्यूजियम में शूट किया जाएगा। इसमें दिलीप कुमार की जगह हमें अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों शमी कपूर की जगह कौन होगा, क्या आप अंदाजा लगाना चाहोगे? चाहे वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि कौन हो सकता है शमी कपूर की जगह। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक। और क्या थी फिल्म विधाता की कहानी, क्यों है इस फिल्म में भावनाओं का अहम रोल, कौन सी पुरानी जोड़ी आ रही है वापस फिल्म विधाता 2 में? आज हम बात करने वाले हैं एक्शन ड्रामा फिल्म विधाता की। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 दिसंबर 1982 को। तो बात करते हैं फिल्म विधाता की स्टार कास्ट की। विधाता फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे दिलीप कुमार, संजीव कुमार, शमी कपूर, संजय दत्त, पद्मनी कोहलापुरे, अमरीश पुरी, सुरेश ओबरॉय और सारिका। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष गई थे, साथ ही इसमें म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आज तक की सभी वीडियो में हमने कभी भी इसकी कहानी की बात नहीं की, तो आज हम आपको इस फिल्म की कहानी बताते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो अपने इंस्पेक्टर बेटे का कत्ल अपने ही सामने होते हुए देख लेता है। कुछ और उपाय ना कर पाने की वजह से खुद अपने बेटे के कातिलों से बदला लेने के लिए एक शक्तिशाली स्मगलर दिलीप कुमार बन जाता है और नाम, शोहरत और पैसा कमाता है। अपने पोते को पालने के लिए वह एक ईमानदार और नेक इंसान संजीव कुमार को चुनता है। वह चाहता है कि उसकी आपराधिक छवि की भनक उसके पोते यानी संजय दत्त को ना लगे। क्या दिलीप कुमार ऐसा कर पाएंगे? शमी कपूर, अमरीश पुरी का फिल्म में क्या रोल है? संजीव कुमार और संजय दत्त का दिलीप कुमार के जीवन में क्या रोल है? जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बाद में जब कभी आप मूवी देखेंगे तो मूवी देखने के बाद आपको जरूर महसूस होगा कि भावनाओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
गलती चाहे कोई भी करे उसका परिणाम परिवार के सभी सदस्यों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी बचाने का हर संभव प्रयास चाहिए। दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करने वाले कभी खुद सुखी नहीं रह सकते। एक्टिंग की बात की जाए तो दिलीप साहब एक्टिंग किंग है, वही संजीव कुमार भी सदाबहार भूमिका में हमेशा छाप छोड़ देते हैं। संजय दत्त, शम्मी कपूर ने भी शानदार अभिनय से फिल्म की सफलता को आसान बना दिया, वही सुभाष गई का गजब का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखने में अति महत्वपूर्ण रहा। शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ने इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, यह पहला अवसर था जब विधाता फिल्म में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर एक साथ नजर आए। और इस फिल्म की खास बात ये थी कि इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार के डायलॉग कादर खान ने लिखे थे। अब कादर खान जी तो नहीं है और ना ही दिलीप कुमार एक्टिंग करते हैं, तो अब की बार दिलीप कुमार की जगह फिल्म में कौन लेने वाला है? अब आप सोच रहे होंगे अब की बार क्यों कहा, तो आपको बता दें कि विधाता फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है जिसमें दिलीप कुमार जी की भूमिका जैकी श्रॉफ निभाएंगे। हालांकि फिल्म की कहानी को थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है ताकि उसमें फिर से संजय दत्त को शामिल किया जा सके। संजय और जैकी की जोड़ी को एक बार कैसा रहा विधाता फेम शमी कपूर का सफल करियर? बीवी से पहले किस पर था शमी जी का क्रश? कौन लेगा विधाता 2 में शमी जी की जगह? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। शमी कपूर अपने दौर के बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी थे। भले ही शमी कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके डांस का आज भी हर कोई कायल है। शमी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा रहा है, फिर चाहे उनके पिता पृथ्वीराज कपूर हो या युवा पीढ़ी के रणबीर कपूर, करीना और करिश्मा। उनके परिवार को अक्सर कपूर खानदान के नाम से पुकारा जाता है। शमी कपूर भले ही दुनिया छोड़ गए हों, लेकिन उनके किस्से आज भी लोगों के जहन में है। ये ऐसे किस्से हैं जो शायद आपने पहले सुने हो या शायद ना भी सुने हो। तो चलिए इन किस्सों के जरिए आज फिर से शमी जी की जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। भाई राज की नकल करते हो, सुनते ही चिढ़ जाते थे शमी। शमी कपूर जब शुरू शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी तुलना उनके भाई राज कपूर से की जाती थी। उनसे कहा जाता था कि वो अपने भाई राज कपूर की नकल करते हैं। शमी को ये कतई पसंद नहीं था। ये वो समय था जब उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिल पा रही थी, वहीं जब उन्हें सफलता मिली तो लोगों ने उन्हें चिढ़ाना भी छोड़ दिया। पहली नौकरी में मिलते थे 50 रुपए। शमी कपूर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। एक दिन वो उदास होकर घर पहुंचे और उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज को कह दिया कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। शमी की इस बात पर पृथ्वीराज को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने थिएटर में उन्हें काम पर रख लिया। हालांकि खुद का थिएटर होने का उन्हें लाभ नहीं दिया गया, अन्य कर्मचारियों की तरह ही वो भी मजदूरी करते थे। उनकी पगार थी 50 रुपए। नूतन थी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड। अभिनेत्री नूतन और शमी कपूर में 3 साल की उम्र का अंतर था। दोनों तब से दोस्त थे जब नूतन 3 और शमी 6 साल के थे। दोनों हमेशा साथ खेलते थे और जब वो बड़े हुए तो एक दूसरे को डेट करने लगे। नूतन शमी कपूर की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड थी। कहा जाता है कि शमी नूतन से शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की माँ उनके रिश्ते के लिए नहीं मानी। शुरुआत की बतौर जूनियर आर्टिस्ट। शमी के पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे, पर उन्हें पिता और भाई के बड़े नाम का कोई फायदा नहीं मिला, कोई सहूलियत नहीं मिली। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर जूनियर आर्टिस्ट ही की। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें 150 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। लिपस्टिक से भरी थी गीता वाली की मांग। गीता वाली और शमी कपूर की पहली मुलाकात फिल्म कॉफी हाउस के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने फिल्म रंगीन रातें में साथ में काम किया। शमी कपूर शूटिंग के दौरान गीता को पसंद करने लगे थे। उन्होंने गीता बाली से शादी के लिए पूछ लिया, पर गीता ने मना कर दिया था। इसके बाद एक दिन गीता बोली, चलो शादी करते हैं। दोनों मंदिर गए जहां पर पंडित ने विधिवत दोनों की शादी करवाई, पर उनके पास मांग में भरने के लिए सिंदूर नहीं था। तब गीता ने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और शमी को दे दी। शमी ने फिर लिपस्टिक से गीता की मांग भरी। इन्हीं किस्सों के साथ शमी कपूर की याद तो ताज़ा हो ही गई, बल्कि साथ ही उनकी फिल्म विधाता जो 1982 में आई थी उसकी याद भी आ गई।
ये वो फिल्म है जब शमी अपनी पत्नी गीता को लेकर सेट पर जाया करते थे, क्योंकि गीता घर पर अकेले हो जाती थी इसलिए शमी की शूटिंग देखने उनके साथ जाया करती थी। अब उन दिनों को याद कर लिया है तो ये भी बता दे कि शमी कपूर की विधाता का सीक्वल बन रहा है, जिसमें शमी कपूर दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स को तो मिस किया जाएगा। पर सवाल है कि फिर इसमें अब की बार कास्ट कौन होगा? तो आपको बता दे कि इसके लिए अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया है, पर अब ये अफवाह है या हकीकत ये तो आपको हमारी आगे वाली वीडियोस में ही पता चलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता। What the hell is wrong with you? किसे डांट लगाई थी शम्मी कपूर ने शूटिंग के दौरान? कैसे हुई दिलीप कुमार की शादी कम उम्र की सायरा से? विधाता 2 के लिए क्या प्लान है मेकर्स के? आज हम बात करने वाले हैं फिल्म विधाता की, जिसमें दो दिग्गज कलाकारों ने साथ काम किया जो थे शम्मी कपूर और दिलीप कुमार। लेकिन इन दोनों ही एक ऐसी सुंदर बला से जुड़े हैं जो उनके जमाने की एक बेहतरीन कलाकार थी। हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन पर उस दौर के लाखों नौजवान फिदा थे। अपने दौर में सायरा बानो बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। दिलीप कुमार संग सायरा बानो की शादी ने बेशक कई नौजवानों के दिल तोड़ दिए थे, लेकिन इस जोड़े की मोहब्बत आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बनी थी। हालांकि इस बात से बेहद कम लोग वाकिफ होंगे कि दिलीप कुमार सायरा बानो का पहला प्यार नहीं थे। सायरा बानो एक दूसरे बॉलीवुड एक्टर पर फिदा थी और उनसे शादी करना चाहती थी। हालांकि सायरा की मां नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसा कोई भी कदम उठाए, लेकिन सायरा उस बॉलीवुड एक्टर पर इतनी फिदा थी कि अपनी माँ के भी वो खिलाफ हो गई। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को हिमाचल प्रदेश के मसूरी में एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ। इनका ज्यादातर बचपन लंदन में ही बीता। इनकी माँ नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस थी और वो भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इनकी माँ को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। 1930 और 1940 के दशक में नसीम बानो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। साल 1960 में सायरा बानो वापस भारत लौट आई। इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन चूंकि उस वक्त ये काफी छोटी थी तो इन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह साइड एक्ट्रेस का किरदार ऑफर किया गया। लेकिन सायरा इससे खुश नहीं थी और उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। सायरा ने साफ कह दिया था कि वो अगर फिल्मों में काम करेंगी तो मेन हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। फिर साल 1961 में सायरा बानो को शम्मी कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला फिल्म जंगली में। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज तक इस फिल्म की चर्चा होती है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि शम्मी कपूर उन दिनों एक बड़े स्टार थे। नई नवेली सायरा को जंगली फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान काफी परेशानी आ रही थी। इससे शम्मी कपूर काफी चिढ़ गए और उन्होंने सायरा को कहा कि काम करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो अपने घर बैठो। शम्मी कपूर की इस बात ने सायरा बानो पर काफी असर किया और उसके बाद सायरा ने खुद को तैयार किया और फिर पूरी फिल्म में बेहद शानदार काम किया। इस फिल्म के लिए सायरा बानो को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। सायरा बानो दिलीप कुमार को काफी पसंद करती थी, वो उनके साथ किसी फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन चूंकि दिलीप कुमार उम्र में सायरा बानो से काफी बड़े थे तो उन्हें लगता था कि सायरा बानो उनके सामने काफी बच्ची है और सायरा के साथ उनकी जोड़ी जमेगी नहीं। फिल्म राम और शाम के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो का नाम हटवा दिया और मुमताज को अपनी हीरोइन चुना। सायरा बानो इससे काफी नाराज भी हुई। एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार को अपनी बात बता दी और कहा कि वो उनसे मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है, पर चूंकि दिलीप कुमार उस वक्त तक दो दफा मोहब्बत में नाकाम हो चुके थे तो उन्होंने सायरा बानो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दिलीप साहब को एहसास हो चुका था कि सायरा उनसे बेहद प्यार
प्यार करती है। आखिरकार एक दिन सायरा बानो की मोहब्बत ने दिलीप कुमार को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और फिर साल 1966 में इस जोड़े ने शादी कर ली। शादी के बाद सायरा बानो की दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की तमन्ना पूरी हुई और बैराग, सकीना और गोपी जैसी फिल्मों में दिलीप कुमार की हीरोइन भी बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना दी, वो भी जब तब सायरा तो फिल्म विधाता में थी ही नहीं। तो आपको बता दे, जैसे कि फिल्म विधाता इमोशन पर बेस्ड थी, वैसे ही अब विधाता 2 भी प्यार के इमोशन पर बेस्ड होगी, जिसमें एक छोटी उम्र की लड़की और बड़े उम्र के लड़के के बीच फिल्माई जाएगी। अब सायरा बानो और दिलीप कुमार से बढ़कर कौन हो सकता है इसकी मिसाल के लिए, और ये जोड़ी एक बार फिर साथ में स्क्रीन पर नजर आने वाली है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए नहीं बल्कि फिल्म ट्रिब्यूट के लिए। जी हाँ, इनकी रियल लाइफ के कुछ चटपटे किस्सों को विधाता 2 फिल्म से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? विधाता फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई भी क्या थे कभी अभिनेता, क्या है अल्फाबेट एम नाम का राज, विधाता 2 में क्या दिखने वाले हैं एक और एम। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के शोमैन डायरेक्टर की। बॉलीवुड में शोमैन की चर्चा होती है तो नाम प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर का लिया जाता है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि हिंदी सिनेमा में एक और शोमैन है जो अपनी ही निर्देशित फिल्मों में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई देता है। यहाँ बात हो रही है जाने माने निर्देशक सुभाष घई की। जी हाँ, यह हमेशा अपनी ही मूवी में बीच के किसी भी सीन में यह देखने आ जाते हैं कि दर्शकों को कहीं पॉपकॉर्न की कमी तो नहीं हो रही है। खैर, आपको बता दे कि सुभाष घई का जन्म 24 जनवरी 1945 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक डेंटिस्ट परिवार में हुआ। घई की शिक्षा दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर स्थित हरियाणा के रोहतक में हुई। रोहतक से स्नातक की डिग्री लेने के बाद घई 20-21 साल की उम्र में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए। वहाँ उन्होंने निर्देशन का काम सीखा। हालांकि शुरुआत में वह फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए पुणे इंस्टीट्यूट आए थे। उस दौरान सुभाष घई कहानियाँ भी लिखते थे। कई बड़े निर्माता निर्देशक उनकी कहानियों को पसंद भी करते थे, तब उन्हें कहानियों की अच्छी कीमत भी मिलती थी। सुभाष घई ने अपने करियर की शुरुआत अभिनेता के रूप में की। फिल्म तकदीर और आराधना में उनकी छोटी सी भूमिका रही है। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म कालीचरण थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हिंदी सिनेमा में 80 का दशक सुभाष घई का माना जाता है। इस दशक में उनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट रही हैं। इनमें विधाता, कर्मा, हीरो, मेरी जंग और राम लखन शामिल थी। इस दौरान घई ने दिलीप कुमार जैसे बड़े अभिनेता के साथ भी काम किया। बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले निर्देशक सुभाष घई अपने फिल्मों के लिए ऐसी अभिनेत्रियों का चुनाव करते हैं जिसका नाम एम से शुरू होता है। फिल्म हीरो से मीनाक्षी शेषाद्री, राम लखन से माधुरी दीक्षित, सौदागर से मनीषा कोइराला और परदेश से महिमा चौधरी ने बॉलीवुड में ऐसा धमाल मचाया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। केवल महिमा चौधरी को ही छोड़कर तीनों ही अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में राज किया है। इन सब की सफलता के पीछे केवल सुभाष घई की मेहनत है। अब फिर से इसी फॉर्मूले के साथ घई साहब विधाता 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें फिर से एक एम नाम की एक्ट्रेस काम करेगी। अब वो कहीं माधुरी या महिमा तो नहीं? आपको क्या लगता है कौन सी होगी विधाता? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? अभी तक का हुनर था। आपको बता दें कि नौकरी के साथ साथ अमरीश पुरी ने पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था।
साल 1979 में अमरीश पुरी को संगीत नाटक एकेडमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अमरीश पुरी पहले स्क्रीन टेस्ट में ही पास हो गए थे। वे एक्टिंग से पहले एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में नौकरी करते थे। बॉलीवुड के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी एक्टर के एल सिंगर के कजिन भाई थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है। जद्दार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा। कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूँ। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? अनिल कपूर के कौन से काम बनाए विधाता ने? विधाता के गाने सात सहेलियां ने कौन से विवाद खड़े किए? विधाता 2 में कौन से हीरो करेंगे काम? आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर की फिल्म विधाता की, लेकिन इसका नाम ही विधाता नहीं था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत किस्सों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि जब सुभाष घई अपनी मल्टी स्टारर फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त अभिनेता अनिल कपूर की एक आदत थी कि वो अक्सर इस फिल्म के सेट पर सुभाष से मिलने चले आया करते थे। वो हमेशा सुभाष से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर किसी फिल्म की कास्टिंग हो तो उस समय उन्हें भी ध्यान में रखें। इसलिए अनिल सुभाष के ध्यान में बस गए थे। सुपरहिट फिल्म हीरो के बाद जब सुभाष ने 1985 में अनिल कपूर को लेकर फिल्म मेरी जंग बनाई तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म में जैकी श्रॉफ को क्यों नहीं लिया, तो इसका कारण सुभाष ने बताया कि ये किरदार अनिल के लायक ही था। आपको बता दें कि सुभाष घई कई बार दोहराए गए फॉर्मूलों को भी नए अंदाज में पेश करने में माहिर है। फिल्म विधाता में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से वो अपनी फिल्म की ऐसी सुरीली सजावट करते नजर आए हैं। साथ ही अगर फिल्म को कारोबारी फायदा होता हो तो वे कभी कभी छोटे मोटे विवाद खड़े होने का खतरा भी झेल लेते थे। पहले उनकी विधाता के गाने सात सहेलियां खड़ी खड़ी और बाद में खलनायक के चोली के पीछे क्या है को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, जिसको सुलझाने खुद बाल ठाकरे को आना पड़ा था। उनका आरोप था कि घई की ये फिल्म बच्चों के दिमाग को दूषित कर रही है। ये कहने की देरी थी कि कई पॉलिटिकल पार्टियां और महिलाओं से जुड़े संस्थान ने इसका विरोध करना चालू कर दिया था। सुभाष घई बताते हैं कि वो उन दिनों 32 पार्टियों से अकेले लड़ रहे थे। किसी गाने को गलत बताने से पहले फिल्म तो देख लूं, लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में घई की मदद के लिए आगे आए बाला साहब ठाकरे। उन्होंने प्राइवेट स्क्रीनिंग में फिल्म देखी और अपने इंटरव्यू में इसे देशभक्ति की फिल्म बताया। बाल ठाकरे के बयान ने भले ही फिल्म और गाने को कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन ये विवाद इतनी आसानी से घई का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। यह फिल्म को लेकर हुआ विवाद इन पर भारी पड़ा और नेशनल अवार्ड शाहरुख और यश चोपड़ा की फिल्म डर को मिल गया। गई एक अवार्ड से नेशनल अवार्ड चूक गए। तो अब आपको बता दें कि कई साल बाद सुभाष घई फिर सक्रिय होकर अपनी काली चरण की रीमेक और खलनायक और विधाता की सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। यानी काली चरण की कहानी नए कलाकारों के साथ सुनाई जाएगी, जबकि खलनायक और विधाता रिटर्न्स का किस्सा पहले की फिल्म के आगे से शुरू होगा। दोनों फिल्मों के लिए घई को कलाकार तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के विकल्प खोजना कड़ी चुनौती है। घई के हीरो कर्ज, कर्मा, रामलखन, सौदागर और खलनायक विधाता की कामयाबी में इस तिकड़ी का बड़ा योगदान बन रहा था। तो अब देखना यह है कि विधाता के सीक्वल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है। जद्दार फैमिली है। मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा। कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूँ। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तू मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? आखिर क्यों सुभाष घई को माना जाता है हीरो बनाने की मशीन? मेरी जंग, विधाता, खलनायक जैसी फिल्में कैसे जुड़ी हैं एक दूसरे से? विधाता की शूटिंग के दौरान क्यों नाराज थे डायरेक्टर साहब संजय दत्त से?
आज हम बात करेंगे डायरेक्टर की फिल्म विधाता की। लेकिन इस फिल्म का ही नाम विधाता नहीं था, बल्कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान बहुत से किस्सों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि सुभाष घई अपने मल्टी स्टार फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त अभिनेता अनिल कपूर की एक आदत थी कि वह अक्सर इस फिल्म के सेट पर सुभाष से मिलने चले आया करते थे। वह हमेशा सुभाष से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर किसी फिल्म की कास्टिंग हो तो उस समय उन्हें भी ध्यान में रखे। इसलिए अनिल हमेशा से ही सुभाष के ध्यान में बसे हुए थे। सुपरहिट फिल्म हीरो के बाद जब सुभाष ने 1985 में अनिल कपूर को लेकर फिल्म मेरी जंग बनाई तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म में जैकी श्रॉफ को क्यों नहीं लिया, तो इसका कारण सुभाष ने बताया कि यह किरदार अनिल के लायक ही था। आपको बता दें कि 1982 में रिलीज हुई फिल्म विधाता सुभाष घई के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इस फिल्म ने सुभाष को शीर्ष फिल्मकारों की सूची में स्थान दिलाया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, अमरीश पुरी, सुरेश उबराय और सारिका जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी फिल्म का असर हुआ कि सुभाष ने फिल्म मेरी जंग को छोड़कर आगे की बाकी सभी फिल्मों में अपनी कंपनी मुक्ता आई प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनाई। यहीं से सुभाष ने अभिनेताओं का करियर बदलने लगे और जिसके लिए वे आज तक जाने जाते हैं। फिल्म विधाता से दोस्ती का सफर शुरू हुआ अनिल कपूर और सुभाष घई का, और आज तक यह दोस्ताना बरकरार है। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म विधाता के वक्त सुभाष अभिनेता संजय दत्त से बेहद नाराज हुए थे। दरअसल संजय दत्त उस समय ड्रग्स के आदी थे और वे सेट पर नशे में ही रहा करते थे। इस चक्कर में सुभाष उनसे हमेशा नाराज रहते थे और उन्होंने संजय को अपनी अगली किसी भी फिल्म में ना लेने की ठान रखी थी। संजय के पिता सुनील दत्त ने सुभाष से गुजारिश भी की थी, लेकिन सुभाष ने उनका कहना नहीं माना। जब संजय ने अपनी ड्रग्स की लत को छोड़ा और थोड़े ठीक ठाक हुए, तब जाकर सुभाष ने संजय को मुख्य अभिनेता के रूप में खलनायक फिल्म बनाई। 1993 में रिलीज हुई यह फिल्म संजय दत्त को एक नई पहचान दिलाने में कामयाब रही। अब सिर्फ खलनायक का रीमेक ही नहीं बल्कि विधाता का सीक्वल भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? विधाता की शूटिंग के दौरान क्यों पड़ा था संजय को थप्पड़? संजय ने शुरुआती दौर में क्या क्या की गलतियां? विधाता 2 में कौन आने वाला है नजर? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त के निजी जिंदगी और उनके करियर के कई किस्सों के बारे में। उनकी बायोपिक फिल्म संजू में भी उनके जीवन में घटित कई घटनाओं को दर्शाया गया है। मगर संजय दत्त के ऐसे और भी कई किस्से हैं जिन्हें 3 घंटे के समय की फिल्म में दिखा पाना मुमकिन नहीं था। उनके कई किस्सों में से एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें अभिनेत्री से बदतमीजी के कारण उन्हें सबके सामने निर्माता और निर्देशक सुभाष घई का थप्पड़ खाना पड़ा था। अपने करियर के शुरुआती दौर में ड्रग्स लेने की लत के कारण संजय दत्त कई निर्माता निर्देशकों के लिए सिरदर्द बन गए थे। ऐसा ही वाक्या फिल्म विधाता की शूटिंग के समय हुआ था, जब संजय दत्त की बदतमीजी से परेशान फिल्म निर्माता सुभाष घई ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। सुभाष घई की फिल्म विधाता में संजय दत्त के अलावा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी भी अभिनय कर रही थी। फिल्म के कुछ सीन संजय दत्त और पद्मिनी के बीच फिल्माने थे, लेकिन संजय दत्त उस समय नशे की हालत में थे। शूटिंग के दौरान नशे में धुत अभिनेता संजय दत्त फिल्म की अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी से बदतमीजी करने लगे थे। बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि पद्मिनी कोल्हापुरी डर के मारे फिल्म का सेट छोड़कर वहां से चली गई थी। इसके बाद सुभाष घई पद्मिनी कोल्हापुरी को समझाते हुए सेट पर वापस ले आए थे, मगर संजय दत्त ने अपनी बदतमीजी फिर भी जारी रखी।
नशे में धुत संजय दत्त को समझाने के बावजूद बदतमीजी करता देख सुभाष घई ने सबके सामने ही संजय दत्त को एक थप्पड़ मार दिया। इस हादसे के बाद जैसे तैसे इस फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी विधाता के सेट पर सीनियर कलाकारों के साथ भी संजय दत्त ने बदतमीजी की थी। फिल्म में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे बड़े कलाकार भी थे। फिल्म विधाता तो सुपरहिट हुई मगर फिल्म निर्माता सुभाष घई संजय दत्त की हरकतों से तंग आ गए थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी अगली फिल्म हीरो से संजय दत्त को बाहर निकाल दिया, जिसमें बाद में जैकी श्रॉफ को लिया गया और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। सिर्फ ये एक फिल्म ही नहीं बल्कि ऐसी कई फिल्मों से अपनी बुरी लत की वजह से संजय दत्त को निकाला गया था। दोस्तों, आपके मुताबिक अगर संजय दत्त को नशे की बुरी लत न होती तो शायद आज वो विधाता 2 में भी नजर आते, लेकिन अफसोस है कि विधाता 2 में संजय नजर नहीं आएंगे। संजय के किरदार को एक विलन वाले सिद्धार्थ निभाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सिड ये रोल ठीक से कर पाएंगे? कृपया अपनी राय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है सरदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, बता दो। विधाता फिल्म ने कैसे छीनी संजय से 2 फिल्में, विधाता की शूटिंग पर आखिर क्यों लेट जाते थे संजय, और क्या अमिताभ बच्चन करेंगे दिलीप कुमार और शम्मी कपूर का रोल? आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड को हिट फिल्में देने वाले एक्टर संजय दत्त की। संजय दत्त के लिए 90 का दशक हिट रहा था, लेकिन सिर्फ फिल्मों के लिहाज से। वे असल जिंदगी में किसी न किसी मसले पर से घिरे रहते थे, अब चाहे मसला ड्रग्स का हो या फिर हथियारों का। आपको बता दें कि संजय दत्त लगभग 4 दशकों से अभिनय की दुनिया में हैं। कुछ समय पहले संजय दत्त लंग कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने फिल्म से ब्रेक लेने का ऐलान भी किया था। दिलचस्प बात यह है कि संजय दत्त ने अपने डैपर लुक और फैशन सेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन संजय दत्त विवादों से और ड्रग्स लेने के मामलों में सुर्खियों में रहते थे। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि संजय दत्त को शुरुआती सालों में हिट फिल्मों से हाथ धोना पड़ गया था? 90 के दशक में एक फिल्म आई थी हीरो। हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि ये सुपरहिट फिल्म जैकी श्रॉफ से पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी। उस समय मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो सुभाष घई संजय दत्त से काफी प्रभावित थे। सुभाष घई को संजय दत्त की एक्टिंग रॉकी फिल्म में काफी पसंद आई थी, जिसके बाद उन्होंने संजय दत्त को 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया था। ये 2 फिल्में थी विधवा और हीरो। हालांकि जब विधवा फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब संजय दत्त की ड्रग की लत की वजह से दिग्गज कलाकारों शम्मी कपूर और दिलीप कुमार को सेट पर काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि संजय दत्त अक्सर सेट पर लेट आया करते थे,
जिसकी वजह से कभी कभार तो शूटिंग कैंसिल करना पड़ती थी। जैसे तैसे सुभाष घई ने संजय दत्त की फिल्म विधवा को पूरा किया, जिसके बाद सुभाष घई ने संजय दत्त के इस बर्ताव से उन्हें फिल्म हीरो से निकाल दिया था, जिसके चलते सुभाष घई ने संजय दत्त को खलनायक बनाया और संजय को बतौर एक्टर काम दिया गया। अब फिल्म विधाता को वैसे तो काफी साल हो चुके हैं, लेकिन अब इस फिल्म के रीमेक बनाने की बातें चल रही हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दिलीप कुमार और शम्मी कपूर इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसके सीक्वल में अमित जी का आना तो बनता ही है। दिग्गज कलाकारों में एक वही है जो इस रोल को टक्कर दे सकते हैं। और रही बात संजय के किरदार की, तो उसके लिए अभी काम किया जा रहा है। शायद संजय के रोल के लिए खुद संजय को ही फाइनल किया जाए। आपको क्या लगता है कि संजय और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। ए माइकल, जरा देख तो। इसलिए नहीं आई क्योंकि कभी कुछ था जो मैंने किया, उसके लिए मुझे पैसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैंडे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। बता दो। ए माइकल, जरा देख तो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? तो आखिर कितने करोड़ की कमाई की थी फिल्म विधाता ने? दो दिग्गज कलाकार कितने सालों के बाद साथ में आए थे? विधाता 2 में कौन करने वाला है संजय का रोल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो
तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म विधाता फिल्म रिलीज हुई थी 3 दिसंबर 1982 को और हम बात कर रहे हैं फिल्म की स्टार कास्ट की। तो दोस्तों बता दें कि विधाता फिल्म एक मल्टी स्टार फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, संजीव कुमार, शमी कपूर, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, अमरीश पुरी, सुरेश ओबेरॉय सारिका फिल्म के डायरेक्टर हैं। सुभाष घई, म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म ने इंडिया में 8 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 16 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड किया था। दोस्तों बता देती हूं कि कहानी एक ऐसे इंसान की थी जो अपने इंस्पेक्टर बेटे का कत्ल अपने ही सामने होते हुए देख लेता है। कुछ और उपाय न पाकर वो खुद अपने बेटे के कातिलों से बदला लेने के लिए दिलीप कुमार एक शक्तिशाली स्मगलर बन जाता है और नाम शोहरत और पैसा कमाता है। दोस्तों बता दूं कि अपने पोते को पालने के लिए वो एक ईमानदार और नेक व्यक्ति संजीव कुमार को चुनता है। मूवी देखने के बाद आपको जरूर महसूस होगा कि भावनाओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। गलती चाहे कोई भी करे उसके परिणाम पूरे परिवार के सभी सदस्यों को भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों बता दूं कि दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करने वाले कभी खुद सुखी नहीं रह सकते। एक्टिंग की बात की जाए तो दिलीप साहब एक्टिंग के किंग हैं और वहीं संजीव कुमार भी सदाबहार भूमिका में हमेशा छाप छोड़ते ही हैं। तो दोस्तों बता दूं कि संजय दत्त, शम्मी कपूर ने भी शानदार अभिनय फिल्म की सफलता को आसान बना दिया। वहीं सुभाष घई का गजब का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखने में अति महत्वपूर्ण रहा। आपको बता दें कि शमी कपूर और दिलीप कुमार ने इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। ये पहला अवसर था जब विधाता फिल्म दिलीप कुमार और शमी कपूर एक साथ नजर आए थे। साथ ही इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार के डायलॉग कादर खान ने लिखे थे। तो दोस्तों बता दूं कि विधाता की शूटिंग के दौरान सबसे बड़ी समस्या खुद संजय दत्त थे। उन्होंने शूटिंग को काफी लंबा खींचने पर मजबूर कर दिया था क्योंकि संजय दत्त ड्रग्स के इतने आदी थे कि सुभाष घई को विधाता मूवी बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों बता दूं कि उसके बाद सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ 10 वर्षों तक कोई फिल्म नहीं की। तो दोस्तों बता दूं कि जब संजय ने अपने ड्रग्स की आदतों पर काबू पा लिया अब 10 वर्षों बाद दोनों एक साथ फिर खलनायक में नजर आए थे। आपको बता दें कि विधाता फिल्म की अधिकतर शूटिंग ताज नगरी आगरा में हुई थी। तो दोस्तों दिलीप कुमार का जो सुंदर सा घर दिखाया गया है वो आगरा की मुगल शेरेटन होटल का है और इस फिल्म के लिए संजय दत्त वाले रोल के लिए भी पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था। अब दोस्तों एक बार फिर विधाता का रीमेक आ रहा है, उसमें हमें कौन से दो दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे ये देखना अभी बाकी है, लेकिन संजय दत्त की जगह इस बार अर्जुन कपूर दिखेंगे इतना हम आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म से जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जनता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैण दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले।